कि जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं 2024 का लोकसभा या विधानसभा, वो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं संगठन से। संगठन मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। लोकसभा की 14 से 14 सीट जीतेंगे हम लोग, विधानसभा में पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा संगठन सशक्त रहेगा। और सशक्त संगठन कैसे हो, और ज़्यादा सशक्त। सशक्त तो हम हैं, मजबूत हैं, गुरु जी के अध्यक्षता में और हेमंत जी के निर्देशन में ये पार्टी ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। लेकिन इससे भी बेहतर प्रदर्शन तभी हो पाएगा जब हम संगठन को सशक्त करेंगे। सशक्त करने की दिशा में जितने बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है कार्यकर्ताओं का, उन सभी बिंदुओं का निराकरण माननीय हेमंत जी अपने समापन भाषण में करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, उससे पहले झेलम उनकी आईडी। देखिए, इस बैठक में अभी जो चर्चा हो रही है या होगी, पूरी तरह से संगठन पर केंद्रित है। संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो, कैसे हम संगठन का और विस्तार कर पाए, और माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश मिलेगा, हमारे गुरु जी का जो निर्देश मिलेगा, उस संदेश को लेकर गांवों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और सरकार की जो उपलब्धि, उन उपलब्धियों को बताएंगे, सरकार की योजनाओं से अवगत करवाएंगे। तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि संगठन कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो, और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन, करीब 15 राज्य भाजपा मुक्त हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी राज्य मुक्त होंगे। हमारा देश अब भाजपा मुक्त देश की ओर बढ़ रहा है, इससे बेचैनी है, और खास करके झारखंड में तो विशेष तौर पर होना है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से सामना है उनका, उनका प्रतिद्वंदी हेमंत सोरेन, सबसे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश का। तो जो आभास उन लोगों को मिलता है, उनको पता है यहाँ हम एक भी लोकसभा नहीं जीत पाएंगे, तो जो प्रतिद्वंदी मजबूत होगा तो बेचैनी होगी, बेचैनी होगी तो उलझुल बयानबाजी होगी। गठबंधन मजबूत रहेगी तो क्या शिद्दत से महागठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ेगी? और जो यहाँ की एक सीट है, खास करके चाईबासा सीट को लेकर तो जो चर्चाएं चल रही है, उसमें भी खिंचातानी की स्थिति है, ऐसे में क्या महागठबंधन मजबूत रहेगी? देखिए, लोग अपनी भावना से अवगत कराते हैं, जो चाईबासा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे विधायक हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे हैं, जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हैं उन विषयों पर निर्णय तो हमारा नेतृत्व लेगा, हेमंत जी लेंगे, गुरु जी लेंगे। तो उसके लिए समय है, और मुझे लगता है अपने समापन भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गुरु जी कुछ संदेश देंगे, कुछ बातों को से अवगत कराएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।